है जो आप सरकार के खाते में तो मानदे तो जरूर ले मानदे है, जिस टाइम आपके खिलाफ कलम चलेगी ना चौकीदार तो काम को रिपोर्ट भी बढ़ा कर देंगे ना जन हो गए भाई हमारी सरकार ने शुरू कर वीडियो दफ्तर में रखे भाई वहाँ वीडियो दफ्तर का हमारी बात करो इसके बारे में तो नौकरी खोज ली इसमें फिर हम कहेंगे भाई जी आप लोग हमारी बातचीत नहीं मानोगे हमारी के फोन मानने नहीं ये समझना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है बार बार मीटिंग के माध्यम से आप लोगों को इकट्ठा करके जागरूक करने का हमारा यूनियन का काम। अभी ये 27 तारीख को बार बार आप कह रहे हैं 27 तारीख को चार पाँच घंटे लगातार डीसी दफ्तर पे पड़ाव रहेगा और डीसी दफ्तर पे मांग करेंगे सरकार हमारे संगठनों से बातचीत ना करके। हमारे संगठन वर्कर के बीच में काफ़ी बड़ा रोषा है निराशा है इसके बारे में सरकार के प्रति। जब तक सरकार हमारे से बातचीत नहीं करेगी हम तब तक सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेंगे हरियाणा के अंदर। 2024 भी ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब तनख्वाह ना बढ़ा करके किसी भी कर्मचारी को पक्का ना करके एक मतलब बदले की भावना से काम सरकार कर रही है हमारे साथ। काम हमारे से ले रही है और काम हमारे से ना लेके मतलब काम हमारे का पूरा मेन ताना नहीं मिलता। आप किसी भी फैक्ट्री में जाओगे काम करने खातर और आप तनख्वाह लगाएगा ना मतलब 5,000 रुपये तनख्वाह देंगे। किसी जगह काम करोगे तो आप काम करना पसंद करोगे? आप 7,000 रुपये में काम करोगे मतलब 24 घंटे काम करना रहेगा। मुझे नहीं पता किस टाइम आप लोगों को कह देंगे उठिए भाई इसलिए काम करो। ये तंदोरा पेट भाई जगह में जाकर कल सुबह 10 बजे फ्रंट से पैदल पर खड़े होंगे। अटल सेवा केंद्र में आयुष्मान कार्ड बनेंगे भाई बता दे सारे काम काम तो तंदोरा पेट का कम करो लेकिन यूपी तो ढूंढो रखेंगे जी सभी साथी जाओगे ना 27 लोग तो ले रहे वही वही प्रोग्राम है वो। ग्राम चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्राम चौकीदार को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। ग्रामीण चौकीदार को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। न्यूनतम वेतन 26,000 पे लागू करो लागू करो लागू करो। न्यूनतम वेतन 26,000 पे लागू करो लागू करो लागू करो। हर जोर शुरम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। हर जोर शुरम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। बदल दो ताज बदल दो बेईमानों का राज बदल दो। रोजी रोटी दे न सके जो सरकार बदलनी है। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। 4 अगस्त का समझौता लागू करो लागू करो लागू करो। ग्रामीण चौकीदारों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ग्रामीण चौकीदार एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मांगे हैं चौकीदार 26,000 क्या मांगे हैं चौकीदार 26,000। ग्राम चौकीदारों को पक्का करो पक्का करो पक्का करो। काम पक्का नौकरी कच्ची नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। काम पक्का नौकरी कच्ची नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। झूठ दमन की ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। इस समय ग्रामीण चौकीदारों की मांग है उनको लेकर के जो ग्रामीण चौकीदारों के नेता हैं वो मौजूद हैं। कलराज जी मौजूद हैं मदन जी इनसे जानेंगे क्या कहना चाहेंगे क्या मामला था ये और क्या आज आपकी मांगे हैं। आज ब्लॉक इंद्री में ब्लॉक प्रधान जनरल सिंह की अध्यक्षता में आज मीटिंग बिठाई गई। ये मंथली मीटिंग होती है हर मंथ को 25 तारीख को और आज ग्रामीण चौकीदार की जो मुख्य मांगे हैं समस्याएं हैं उनको लेकर विचार विमर्श किया गया। 2023 के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा का बजट पेश किया है उसमें ग्रामीण चौकीदारों के लिए कोई भी सुविधा ना देते हुए आज ग्रामीण चौकीदारों के अंदर भारी रोष है और उसको रोष को व्यक्त करेंगे हम 27 तारीख को डिस्ट्रिक्ट करनाल में लघु सचिवालय के सामने। और आज ग्रामीण चौकीदार सड़कों पे है। सरकार ये कहती है ग्रामीण चौकीदार जो है वो सरकार की आँख भी है नाक भी है कान भी है। जब ग्रामीण चौकीदार का इतना सम्मान सरकार करती है तो उनके मानदेय में बढ़ोतरी क्यों नहीं? और हम सरकार से मांग करते हैं ग्रामीण चौकीदार को पक्का किया जाए। जब तक पक्का नहीं किया जाता उसको न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये लागू किया जाए। समय समय पर इसकी वेतन बढ़ोतरी की जाए और EPF और ESI से जोड़ा जाए। जिन गांव में चौकीदार नहीं है उन स्थानों को भरा जाए
और ग्रामीण चौकीदार का 2010 से 15 तक का जो मुनादी भत्ता सरकार के पास बकाया पड़ा है उससे हम मांग करते हैं सरकार से उसको भी जल्द लागू किया जाए और ग्रामीण चौकीदार के रिटायरमेंट होने पर इसको 5 लाख रुपए और एक सम्मान पत्र दिया जाए। और हम सरकार से आज भी आप इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करते हैं, मांग करते हैं हमारी मांगों का समाधान किया जाए, अन्यथा हम राज्य कमेटी की मीटिंग बुला करके बड़े आंदोलन की घोषणा कर सकते हैं और पंचकूला जाने के लिए भी हम मजबूर होंगे। मैं मदन कलरा, जिला प्रधान करनाल जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जरनैल सिंह मलिक माजरी चौकीदार ब्लॉक प्रधान। हमारे कोई सरकार नहीं सुन रहा जी, हमारे यहाँ जो ये चलता रहेगा प्रोग्राम, ये इकट्ठा हम वहाँ भी साई श्री ना इकट्ठे होएंगे। हमारी तो कोई सुन ही नहीं जी, 2 दिन की अवधान सभा चली, हमारे इसमें नाम ही नहीं लिया जी, हमारी कोई तनख्वाह नहीं बढ़ाई जा रही जी। तो ये संघर्ष आपका जारी रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल जारी रहेगा जी, ऐसे चलता रहेगा जी, जब तक हमारी कोई सुनना नहीं सरकार अरे दोबारा। चुनाव भी तो आ रहे हैं 2000? हाँ जी बिल्कुल, चुनाव आ रहे जी, हमारा कुछ करेंगे जी भी, हम इनके साथ लगेंगे जी, हम क्या करेंगे जी। और सीटू के जिला सचिव राणा जी यहाँ पहुँचे हैं, वो भी ग्रामीण चौकीदारों को अपना समर्थन देने के लिए, उनकी आवाज़ को उठाने के लिए पहुँचे हैं, इनसे जानेंगे। राणा जी क्या कहना चाह रहे हैं? आज इंद्री ब्लॉक के अंदर ग्रामीण चौकीदार हरियाणा ग्रामीण सभा की नेतृत्व में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं, ये अभी जो बजट पेश किया हरियाणा की सरकार ने, इनका एक भी पैसा बढ़ाने की कोई बातचीत नहीं की। 4 अगस्त को जो मंत्री महोदय हैं, पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली, उनके साथ डेलीगेशन की बातचीत हुई थी, इनको पक्का करने की मांग की बातचीत हुई थी और इनका वेतन बढ़ाने की बातचीत हुई थी और इनका PFESI लागू करने की बातचीत हुई थी, इनकी भर्ती जो पद खाली पड़े महकमे गांवों के अंदर उनकी भर्ती की बातचीत हुई थी। सरकार ने यह आश्वासन दिया था, पक्के तो आप कर नहीं सकते लेकिन आपकी वेतन बढ़ोतरी की बात जरूर मैं मुख्यमंत्री से करूँगा और ज़रूर आपकी समस्या का हल होगा। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बातचीत है, 6 महीने गुजरने के बाद सरकार ने एक भी कर्मचारी का पैसा नहीं बढ़ाया और इसके बीच में दिसंबर के महीने में 17 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक सभी ग्रामीण ब्लॉकों के अंदर चौकीदारों ने सरकार का पुतला दहन का काम किया है और सभी चौकीदारों के अंदर गुस्सा भी है और रोष बढ़ता जा रहा। हम सरकार से मांग कर रहे हैं, कल भी हम ADC महोदय से करनाल मिले थे, हमारी बातचीत के माध्यम से हमारा डेलीगेशन से बातचीत कराओ और रास्ता निकाल लो, इनकी तनख्वाह बढ़ाने का काम करो, ये हम मांग करें सरकार से। एक चीज़ राणा जी, बार बार जो कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन क्या सरकार सुन नहीं रही है या सुनना नहीं चाह रही है, क्या करना? सरकार जानबूझ के इग्नोर करना चाहती है, असल में ये आम लोगों की सरकार है ही नहीं है, कर्मचारी मजदूर किसान की सरकार है ही नहीं है सरकार, ये सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों की सरकार है और उनको ही फायदा पहुँचाने का काम सरकार कर रही है। इस बजट के अंदर भी देखे आप लोगों ने, मतलब केंद्र की सरकार ने चाहे बजट पेश किया है, चाहे हरियाणा की सरकार ने, BJP की सरकार ने बजट पेश किया है, लेकिन मतलब एक सोसा जरूर छोड़ा है, मतलब जो बुजुर्ग है उनकी 250 रुपये उनकी पेंशन बढ़ोतरी की वो लागू की है। हम मांग कर रहे हैं सरकार से, जो सरकार ने खुद वादा भी किया था 5100 रुपये बुढ़ापा पेंशन की मांग की कर रहे इसके बारे में, वो सरकार नहीं दे रही है और गरीब लोगों के BPL कार्ड काटने का BJP की सरकार ने काम किया है, गरीब लोगों को मकान को नहीं बना के दे रही है, गरीब लोगों को मनरेगा का काम नहीं दे रही है, गरीब लोगों को जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको नौकरी देने का काम नहीं कर सरकार कर रही है। इसके खिलाफ आने वाले टाइम के अंदर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेवारी हरियाणा सरकार की होगी और 2024 भी ज़्यादा दूर नहीं है, अगले साल 2024 के अंदर ये जनता के बीच में आएंगे और जनता के बीच में आने के वोट मांगेंगे और ये जनता वो सवाल करेगी इनके सामने, इनके सामने जैसे अभी संडे को प्रदर्शन किया था, प्रदर्शन करके मांग की थी सरकार से पुरानी पेंशन को बहाल करे, उनको क्या मिला? चंडीगढ़ के अंदर लाठी मिली, पानी की बुछारे मिली और ये आंसू गैस के गोले छोड़ गए। क्या सरकार उनका नुमाइंदा कोई भी मांग पत्र लेने के लिए नहीं आया? हम सरकार से मांग कर रहे हैं ये हठधर्मी छोड़ करके, इस हठधर्मी का परिणाम 2024 को बिल्कुल भुगतना पड़ेगा सरकार ने, ये 2024 ये तय करेगा इसके बारे में, यह सरकार पूंजीपतियों के पाले में खड़ी होगी या मेहनत के संवर्ग के पाले में खड़ी होगी। अगर यह सरकार बड़े बड़े पूंजीपतियों के पाले में खड़ी होगी, इसको बाहर का रास्ता ये जनता दिखाएगी।
गाय के जमाने में 7000 में हमारा गुजारा नहीं होता, हमारे वेतन बढ़ाए जाए। तो यहाँ किस लिए मांग कर रहे हैं आप, आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं? वेतन बढ़ाने के उसमें हम आंदोलन कर रहे हैं जी।